अपनी ही रची सृष्टि का नाश कर देंगे महादेव, महाप्रलय ला देंगे सृष्टि में। वियोग से केवल शिव दुर्बल नहीं पड़ेंगे, ये सारा संसार, सभी देवता भी दुर्बल हो जाएंगे। और इसी में तो हमारी विजय है। अवश्य, सती के अंत के पश्चात शिव असंतुलित होंगे और विरक्त होकर समस्त संसार में भटकेंगे, और यही अवसर है हमारे पास, अपनी शक्ति हमें बढ़ानी होगी ताकि उचित समय आने पर उस शक्ति का प्रयोग कर शिव से हम स्वयं की रक्षा कर सके। समय से पहले महाप्रलय हो जाएगा नारायण। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली क्रोध अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाकर भस्म कर देगी। कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए। क्रोध और अग्नि की इस पीड़ा को शांत करने के लिए शीतलता की आवश्यकता होगी। स्मरण है, महादेव हलाहल के समय तप में थे। इंद्रदेव, वर्षा का आरंभ कीजिए, कदाचित जल की शीतलता से महादेव शांत हो जाएं। We'll be right back.
मैं इस सृष्टि से जल वायु अग्नि धरती और आकाश का अंत कर दूंगा। जब पांच तत्व ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। सती सत्य के ताप में जल गई, अब कुछ भी शेष नहीं त्याग करने को। अब शेष है तो विनाश का महातांडव। वर्षा से भी कोई लाभ नहीं हुआ। भू से जन्म लेकर भू को साधने वाले पर्वतों, समय आ गया है। साधो अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को, साधो महादेव को। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस ब्रह्मांड में मुझसे मेरी सती को छीना है। मैं इस ब्रह्मांड से इसका अस्तित्व छीन लूंगा। जिस सृष्टि को मैंने रचा वो मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। अब इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। Ah, 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 ah
यह संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय के बिंदु पर समाप्त होती है और सती के साथ ही पूरी सृष्टि की अभिव्यक्ति महाशून्य में समा गई है। इसलिए अब फिर से सब कुछ शून्य होगा। जो दो आंखों के मिलन से प्रारंभ होता है वो भी शून्य होगा। मुझे मेरे जीवन का अंक मिल गया है। इस सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ना सत्य ना सत्य, ना अंतरिक्ष ना आकाश, ना जल ना वायु। इसलिए अब सब कुछ शून्य हो जाएगा। अब मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये सब कुछ महाशून्य में समा जाए। कुछ तो करना होगा नारायण, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। ना देव ना दानव, ना आप ना मैं, केवल बचेगा तो घोर अंधकार, केवल शून्य। महादेव की यह दशा सती के विलाप से है। जब तक सती का देह महादेव के पास है, उन्हें रोक पाना असंभव है। यह हमारा दुर्भाग्य है ब्रह्मदेव, कि कहां हम शिव और सती को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे थे और कहां आज हमें उन दोनों को अलग करने का प्रयास करना पड़ रहा है। जब तक सती का देह महादेव के पास है, तब तक शिव शिव नहीं रौद्र रहेंगे। सती का देह महादेव से इस प्रकार दूर करना होगा कि वो पुनः उसे उठा ना पाए। उन दोनों की साथ में उत्पन्न हो रही ऊर्जा को काटना होगा ब्रह्मदेव। अर्थात हमें इस सृष्टि को महाप्रलय से तो बचाना है, साथ ही इसमें पुनः प्राण संचार करने के लिए शक्ति भी देनी होगी। जिस सृष्टि को शून्य से निकालकर ब्रह्मांड बनाया गया है, महादेव उसे पुनः शून्य में नहीं मिला सकते। हमें ये ऊर्जा सृष्टि में चाहिए। रुक जाइए महादेव, वरना संसार भविष्य में कहेगा कि कैसे देव थे जो अपनी पत्नी के देहांत पर रो पड़े। इतने व्याकुल हुए कि संसार को नष्ट करने लगे। ये संसार शिवत्व पर प्रश्न उठाएगा महादेव, रुक जाइए। जो संसार सती को नहीं समझ पाया, उसे शिव को समझने की आवश्यकता भी नहीं। मैं इसलिए रुद्र हूं कि मेरी रची सृष्टि में सत्य नहीं रहा, कि मेरी सती शक्ति तक की अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाई। ये सृष्टि अपने मंतव्य में असफल रही। मुझे एकांत में छोड़ दो नारायण। क्षमा करें महादेव, किंतु मैं विवश हूं।
इस संसार को नारी जाति के मान सम्मान के लिए एक संदेश देना अति आवश्यक है। सती ने स्त्री के मान में उस यज्ञ में आहुति दी है, इसलिए आवश्यक है कि संसार के हर स्त्री तक उनकी ऊर्जा पहुंचे। जब जब स्त्री दुर्बल हो, ये ऊर्जा उनका मार्ग प्रशस्त करे। जानता हूं आप जो करते हैं उसमें स्वयं एक उद्देश्य होता है। मैं भी आपसे ही जन्मा हूं महादेव, और आज मेरा उद्देश्य कह रहा है कि मैं आपका सामना करूं। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, जिस सती ने मुझे बालपन से पूजा, जिसकी रक्षा करना मेरा दायित्व था, मैं आज उसी सती की काया को काटने जा रहा हूं। जब तक पृथ्वी की जननी सती की काया पृथ्वी में समाहित नहीं होती, तब तक सती के प्रति महादेव की अनुकृति का अंत नहीं होगा। इन हाथों को क्षमा कीजिएगा महादेव, जिन्होंने हमेशा आप पर पुष्प चढ़ाए हैं। आज यही हाथ आप पर सुदर्शन चक्र चलाने जा रहा है, सुदर्शन चक्र चलाने जा रहा है, सुदर्शन चक्र चलाने जा रहा है। जानता आपकी पीड़ा और क्रोध की अग्नि समस्त संसार को भस्म कर देगी। इससे पहले आपकी क्रोध और पीड़ा की अग्नि समस्त संसार को भस्म कर दे, मुझे आपको रोकने का प्रयास करना होगा। मैं जानता हूं मेरे इस दुस्साहस के प्रति आप बहुत क्रोधित होंगे, किंतु इस सृष्टि के अस्तित्व को संभालने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए मुझे आपकी क्रोध अग्नि स्वीकार है महादेव। शत्रु शक्ति महापाते हो, दिन ढलने के बाद जब रात आती है तो रात को काली मां का संकेत समझा जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात सबसे अधिक हो जाती है तो उसका संकेत क्या होता है? उसका संकेत होता है कि कुछ ही क्षण में अब भोर होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवन पथ पर बाधाएं आती हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं आती, वो संकेत होता है कि अब आपको और प्रयास करना है और कदम बढ़ाने हैं। इसलिए भागिए मत, भाग लीजिए बाधाओं से युद्ध में, क्योंकि ये बाधाएं तो बताती हैं कि अब आपकी व्याधि समाप्त होने वाली है।